दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नेर चौक मंडी। नो मास्क नो सर्विस की तर्ज पर ही परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी। सोमवार से परिवहन निगम की बसें चल पड़ी, लेकिन बाजार में अभी ज्यादा खरीदारी के लिए भीड़ नहीं देखी जा रही है। हालांकि व्यापारियों को उम्मीद है कि इसी सप्ताह उनका रोजगार भी खुलेगा। बस अड्डों में खेपन कार्यालय के बाहर काफी भीड़ देखने को मिली। उचित दूरी रखने के लिए भी सभी से आग्रह किया जा रहा है। व्यापारियों का भी मानना है कि परिवहन निगम की बसें चलने से आगामी दिनों में अवश्य कुछ रौनक बढ़ेगी। सर, आज से ना बसें चल पड़ी हैं, तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और जो आज से बसें भेजी हैं, किस रूट पर जो बस गई है, किस पे नहीं गई है, वो बताएं आप। अभी तो सुबह से हमारी आज कसौ से शिमला के लिए गाड़ी गई है, शिमला के बाद रामपुर के लिए गई है, मंडी के लिए गई है, थुनाग के लिए गई है, और मैक्सिमम गाड़ियाँ हम भेज रहे हैं, 50% सभी गाड़ियाँ भेज रहे हैं। तो उनको सैनिटाइज भी किया सर? बिल्कुल, सारी गाड़ियाँ जो गाड़ी आती है उसको खास हमने पूरी गाड़ी सैनिटाइज कर दी थी। बिफोर चलने से पहले हमने एक दिन पूरी सैनिटाइज किया, मगर जो गाड़ी आएगी वर्कशॉप में पावर स्टेशन से उसको सैनिटाइज करके भेजा जाएगा। सर, ड्राइवरों और कंडक्टरों को जो है वो आपने मास्क वगैरह जो है बिल्कुल प्रोवाइड कर दिए हमने, मास्क सभी ड्राइवर को प्रोवाइड कर दिए उनको, इवन के आपने अपने ये सैनिटाइजर भी कर दिया, इशू कर दिए बोतलें, ड्राइविंग कंट्रोल को इकट्ठे कर दिया, मास्क सभी को दे दिए हैं। तो यात्रियों के लिए क्या जो है अपील है या उन सब के? हमने अपने कंडक्टर को ये दिखाई दिया है प्रोटोकॉल के अनुसार, जैसे भी कोई सवारी होगी वो बिना मास्क, उसको ये गाइड करे कि बिना मास्क सवारी बिठाए नहीं हो गाड़ी में, और गाड़ी में जो अपने जो 50% की ऑक्युपेंसी से गाड़ी को सवारी बिठाए। जैसे निजी बसें वाले बता रहे थे कि वो नहीं चलाएंगे, तो कोई निजी बसें चल पाएंगे? हाँ, आज एक सुबह दो गाड़ी शिमला के लिए गई है निजी बसें, एक मंडी के लिए गई है और एक आनी के लिए गई है। धन्यवाद। ओके, नमस्कार जी। देखो जी, अभी तक कोरोना का सिलसिला बहुत ज़्यादा चला हुआ था। हम ये चाहते हैं कि आम जनता से आज की डेट में बाजार में एक रौनक सी छाई हुई है, जिससे अभी तक व्यापार वर्ग बिल्कुल कमजोर था, टूटा हुआ था, कमर भी बिल्कुल टूट गई थी व्यापारियों की भी। जो एक रौनक सी आई, हम चाहते हैं व्यापारी जितने कर भी व्यापारी भाई और साथ में जो हमारे ग्राहक है वो बाजार में आए, मास्क और थोड़ा उचित दूरी रखे, मास्क का विशेष ध्यान रखें, ताकि कोई ऐसी स्थिति फिर से तैयार ना हो जाए कि सरकार को एक लॉकडाउन की ओर आगे जाना पड़े। बस यही हमारा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज ना जी काफ़ी बंदिशों में छूट मिली है, तो उसमें बताएं कि व्यापार में कोई फर्क पड़ा है? मुझे तो नहीं लगता है आज कोई काम होगा या बाहर से लोग आएंगे। कल आज बसें तो चल पड़ी है, पर लोग कल से आएंगे। आज गांव में बसें पहुंचे तो कल लोग बाजार का रुख करेंगे, शायद तभी काम खुलेगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नियर चौक मंडी हिमाचल प्रदेश, पायनियर इन एजुकेशन फॉर लास्ट 21 इयर्स, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट, कोर्सेज ऑफर्ड बीएड, डीएलएड, बी फार्मेसी, बीटेक, डिप्लोमा, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 9816400520, 9816700520, 9816005139.